अस्सलाम वालेकुम, मैं हबीब निशना और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद हनीफ। वालेकुम अस्सलाम जी, इसका सर आपके साथ मौजूद है। नहीं राशिद नहीं, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं, मैं कुछ बता दूं, आज हम लोग देखने वाले हैं जाकिर खान बहुत पिघले हैं। मेरी मम्मी सीरियल बहुत देखती है। पिघले? वो सीरियल देखने को वाचो, मेरी मम्मी को लगता है सीरियल की। ओह स्टैंड अप कॉमेडी, इतना सीरियल देखा उसने, उसको लगता है कि वो सीरियल की हीरोइन है। सीरियल बहुत जबरदस्त बन रहा है। पूछो क्यों रो रही, तो बोलती यार तेरी दादी ने भी हमारे साथ ऐसे किया। अच्छा चलो ठीक है। फिर एक दिन देख रहे सीरियल की रूम से अच्छा हो, मेरी मम्मी फिर भी रो रही। मैंने कहा अब क्या हो गया मम्मी? कह लगी तेरी दादी ने हमारे साथ ऐसा किया ही नहीं। करते करते ना मेरी मम्मी थोड़ी आगे निकल गई है। तो ये शादी वाला टॉपिक चल रहा था, मैंने मम्मी बोला, मैंने मम्मी यार दिमाग मत खराब कर फालतू, ठीक है दो दिन लिया था उसमें भी नाटक किट-किट क्या यार ये सब, ये बोल के बाहर चल गई। मेरी मम्मी रोती, फिर मेरे को बुरा लगा बाहर जाकर, मैंने क्या यार मम्मी को रुला दिया। और अपन तो घर में क्या, अपने बहन नहीं थी तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुँच पाए। हमने माँ बाप ऐसे देखे ये औरत काम करती, इस आदमी से डरना है। बीच का कुछ रहा ही नहीं हमारे। और मेरी मम्मी फुल मेलोड्रामेटिक और हमने बिल्कुल ही मतलब एकदम पूरी एक्टिंग उनकी डॉज की है। तो मेरी मम्मी बीमार होती थी, मैं सिर्फ कराती थी ओवर एक्टिंग कराने की, हाँ बेटा। और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं सी, हम बिल्कुल ही अनइमोशनल बच्चे, बैग बैग टांग के अपना चड्डी वड्डी में। अलग ही लेटी मम्मी दिख जा रही, दोपहर में लेटी हमें क्या गड़बड़ा आज मम्मी मम्मी ऐसे अफेक्शनेटली टच भी नहीं कर रहे, से उंगली से कर रहे। मम्मी मम्मी हाँ बेटा खाना बना है? खाना बना ही नहीं बना। तो हम थोड़ा, हमको थोड़ा गिल्ट है इस बात का कि यार हमने ना अच्छे से मम्मी को ट्रीट नहीं किया। तो मम्मी रो दी शादी वाली बात, मेरे को बुरा लगा। वापस आया मैंने कहा यार मम्मी यार शिट यार क्या बड़े होने की बात भी आप मम्मी वैसे ही कर रहे हो। वापस आया तब तक मम्मी मेरी लेवल टू पे जा चुकी थी पहले। आँखों पे तो हंसी लुक अलमारी के शीशे में, और मेरी मम्मी, मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरी मम्मी को पता नहीं, कह रही है इसको तो घर गृहस्थी में से उलझाऊंगी ना। जिंदगी भर याद रखेगा। मैं वही पीछे खड़ा हूँ। मैंने कहा मम्मी क्या हो रहा है ये? आ गया क्या? आ गया, मैं देख लिया मैंने कहा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस तरह, जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन से मैं निकल के आया, मिडिल क्लास फैमिली से, पर अमीरों के बच्चे देखता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल में गए हुए बच्चे देखता हूँ मैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है उनके साथ कि इनका तो चूते कट गया यार। इनको इनके माँ बाप इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटा ड्राइव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इंडिया इज लेफ्ट एंड राइट एंड राइट, तो आप ऐसे ना ये सब ज्ञान दे रहे हैं इनको। हमारा पापा हमें सिखा के देख तू गलती करेगा तू मरेगा, वो गलती करेगा तो भी तू मरेगा, देख ऐसी चलानी कि अपने को जिंदा रहना रे। हाँ घरों को एक बार मैं ऐसे ही जिम गया, मैं पहली पहली बार, ठीक है जनता ने बोला जिम जाओ भैया जिम जाओ, फलाना डिम का पेट निकल लो, ये वो चला गया अपन जिम। जिम में आ गया एक दो बार ट्रेनर आया, सर मैं करा देता हूँ आपको। मैंने तेरा नाम क्या? कहता राजवीर। मैंने बहुत बढ़िया सेटिंग कर ली, उसको समझ में आ गया ये तो नहीं करेगा एक्सरसाइज। कहता सर प्लान कर लीजिए। मैंने कहा तू करके दिखाना पहले। मैंने कहा पहले मैं देखूंगा तू कितना करवाता है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा तेरा मेरा कितना। तो उसने बोला मैं 3 मिनट कर सकता हूँ, तो मैंने कहा फिर मैं 30 सेकंड करूँगा ना तेरा। कहता नहीं सर 1 मिनट, ऐसे बार्गेनिंग कर रहा हूँ मैं, और अपनी बार्गेनिंग पावर बहुत अनबन है। जैसे एक बार क्या हो, कॉलेज की बात है, लड़की से थोड़ा मोहब्बत हो गई अपनी, ठीक है अब क्या? अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सख्त हुए। अपनी ये जो लड़की थी इनसे हमारी थोड़ी मोहब्बत हुई, अब वही वाली बात है जैसे तुम लोग यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ जगह तो है पर जा नहीं सकते। तुम लोग तो जगह नहीं ना।
वही मतलब हाँ वो हाईवे पे लिपटे पड़े हैं लोग, हाईवे पे कैसे लिपट सकते हैं। तो हमारा वही पार्क पूर्क वगैरह में एक ऐसे टाइप का पार्क था, वहाँ हम ले गए, बात करी हमने 2-3 घंटे बात करी। तो फिर एक मोमेंट ऐसा बना, हम कहीं बैठे थे किस, पता नहीं क्या उनका रिएक्शन बड़ा अजीब था, थोड़े से अनकॉन्शियस हो गए, उनको संभाला मैंने। जैसे ही वो बेंच पे, मतलब बेंच नहीं है, चबूतरा सा था जिस पे हम बैठ के बात कर रहे थे, चबूतरे पे गिरी नहीं हो, तो वहाँ पे मैं चबूतरे पे जब वो गिरी तो मैं उनको उठा रहा था, मैंने देखा उनके चेहरे के बगल में जूते हैं, तो मैंने कहा ये बेंचूत कौन है। तो कैमरा एंगल शिफ्ट पैन के चौकीदार क्या कर दिए हैं आप, ऐसा जोर से कोई चूमता है। लड़की को बेहोश कर दिए हैं आप। अरे कुछ नहीं, अरे घाट साहब वो, अब मैं खुद यार अपन भी मतलब 19-20 यार छोटे ही थे, मतलब मैंने कहा अरे घाट साहब वो, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इतने में ये उठी, ये कहीं की कलेक्टर की बेटी असली की। मैंने कहा अरे कुछ, अरे वो, मैंने कहा अरे वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वो ऐसा, वो तो डिनाइल हुई ना, आप बहानेबाज कर रहे हो। कहते ऐसा थोड़ी होता है, देखिए कितना जोर से चूमे आप। इतना डिटेल में तुझसे पूछा है क्या, मैं तो नहीं चूमा है जोर से, पहली बात तो ये। हाँ इतने में ये जग गई, ये उड़ गई, यहाँ पे नबाउट हो गई, कहती व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अपन भी अपने को भी तो अपने अंदर भी तो चैंपियन है तात्या टोपे। मैंने कहा अरे ये लगी भी इससे वो गार्ड, अब ये समझ रहा है ना कि आदमी बहुत चूतिया होते हैं, औरतों की बात पता है पर भूल जाते हैं, उनका ध्यान से उतर जाता है, ऐसा उन्हें मालूम है, ऐसा उन्हें पता है, पर ऐसे बहुत बड़ी हैंडल करती है हमको, जैसे हंसने वाली टेक्निक है, लड़कियों ने इतने सालों में निकाली कि किसी भी चूते बातें हंस दो, उसमें हाँ नहीं कहना पड़ता ना नहीं कहना पड़ता, क्या अमेजिंग टेक्निक है, उतना फनी थोड़ी है हम जितना बता देती है हमको। तो आप ये इसको ऐसा छोटा फील कराएगी तो वो भी लड़ गई, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप किसको भी फोन कर ले, तो आप वो गार्ड वो भी तो आदमी, वो भी लड़की से डांट थोड़ी सुन रहा है, कहते कि तो क्या ऐसे पुलिस को बुला लीजिएगा, 5,000 रुपये का जुर्माना है, देखिए इस तरह की असली हरकतें आप करेंगे। तो कहते मेरे पापा कलेक्टर, आप किसको पुलिस वाले को फोन कर रहे हो, तो कहते तो कलेक्टर का बेटी है तो क्या कहीं भी चूमेंगे किसी को। अब ये सब वो कॉन्वर्सेशन का अलग है, वो मॉरल वो कल्चर कॉन्वर्सेशन चलेगी। मैं बीच में मैंने कहते नो नो आप मुझे ऐसे बोल नहीं सकते, आपको राइट नहीं है। मैंने कहा राइट वाइट की बातें चल रही है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया है, गार्ड है, समझाओ समझाओ, समझा पाओ तो समझाओ, नहीं तो जो भी है। मैं कहा छोड़ो कुछ नहीं, ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। मैं गया बगल में पान की दुकान थी, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे माणिकचंद पता था वो क्या था, माणिकचंद का नाम चेंज हो गया था बीच में, उसका नाम हो गया RMD, ठीक है। 3.5 रुपये की 3.5 रुपये की 2 RMD मैंने खरीदी, 7 रुपये की RMD खरीदी मैं लाया, वो 5,000 रुपये मांग रहा है हमसे, 5,000 रुपये मेरी कम से कम 11-12 महीने की पॉकेट मनी 5,000 होती है। तो RMD मैंने कहा रहे घाट साहब कहाँ आप यार छोटी बातों में लगो, ऐसे मैंने मुट्ठी में उसकी RMD दबाई, उसने कहा कि देखिएगा ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है ऐसे नहीं करेंगे आप, और ये कोई जगह नहीं है, ये पार्क, ये फैमिली लोग आ रहा है यहाँ पे सारा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कोई तरीका है बताइए, यहाँ पे एक तो अश्लील हरकतें कर रहे हैं ऊपर से ये। उधर झाड़ी के पीछे ही रहिएगा। तो अपना बार्गेनिंग बहुत बढ़िया है। तो मैं ये ट्रेनर के साथ किटकिट चल रहा अपना, मैंने कहा मैं कल लूंगा जो भी, ठीक है सब बढ़िया। इतने में कोई उन्हें थे वो गोरे चिट्टे एकदम सफेद आटा लड़के, ये आंखें छोटी होती इनकी, लंबा मुंह छोटी आंखें, चटक गोरे बिल्कुल चटक गोरे, बाल इनके काले कट ऐसे लंबे, यहाँ गिर रहे होते ध्यान आ रहा, ध्यान आ रहा, इन्होंने बनियान से ज्यादा जिंदगी में नहीं पहना, इनको पता ही नहीं कि दुनिया में शर्ट है।
इन तक ये खबर ही नहीं पहुंची। ये बगल में खड़ा था ऐसे चोमू, इसकी नजर पड़ गई मेरे। तो उसने मुझे बोला कोई तो पैर की एक्सरसाइज थी कि लेग एक्सरसाइज कर लो। और अपन से ज्यादा मेहनत नहीं होती। कल परसों का मुंह धो के थक गया यार, बहुत मेहनत नहीं होती। लेग डे ये मैंने, उसने बोला दो के सेट करने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक दो हो गया, मैंने अगली मशीन बताओ। कहने लगा रहे सर दस दस के दो करना। मैंने कहा झूठ नहीं बोलेगा, देख तूने पहले देखे, तूने कह रहे यार सर ये वो करना। तो इस लड़के को लगा कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ इनफ, लगा कि थोड़े जुझारू मोटिवेशन की जरूरत। तो ये मेरे पास आया, कम ऑन कौन है क्यों है और कमान तो ठीक था, मतलब क्या है मेरा दिमाग। तो बोला इतना क्या था यशपुर। मैं कहता तेरे को पता मेरा नाम क्या है, कहता ना। मैंने कहा मेरा नाम जाकिर खान, कहता ओके। मैंने कहा मैं इंदौर का हूँ, कहता ओके। मैंने कहा खजरानी का रहने वाला, कहता ओके। तो लस्सू, मैंने कहा गांव को ऐसी जगह ब्लेड मार रहा है मतलब नहीं लगा, चलो यहाँ से हट। सो गया वो बिल्कुल। अब I'm sorry friends, रोने लगा। यार तो गाली पहले इसने दी मुझे, दांत रोने होने लग गया। तो मेरे पे गिल्ट आ गया। मैं गया उसके पास, मैंने कहा अरे are you all right? कहता no it's okay. I shouldn't have, I thought you know, I was just trying to help. कर रहे हो तो मैंने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो लिफ्ट में आया मेरे साथ, मैंने कहा अच्छा अच्छा कॉमेडियन बोल रहे ना, बकचोदी करते लोग भाई ये वो, मेरे को चाहिए नहीं। मैं कहा नहीं फिल्म की, कहता ओके 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 लाइक टेलीविजन। मैं कहा इंटरनेट वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं ही पूछू उससे तू क्या करते है। मैं कहा सो व्हाट डू यू डू, कहता एक्चुअली मैंने कहा नो आई नो दिस कहता व्हाट। मैंने कहा राइट नाउ यू डू थिएटर्स, कहता या। मैंने कहा और थोड़े दिनों में तू किसी फिल्म में एडी बनने वाला है, कहता या। मैंने कहा उसके बाद तू खुद की फिल्म में हीरो बन के आएगा, कहता हैव यू मेट बिफोर डू यू नो मी। मैं कहा नहीं मैं ये बम्बई में बेरोजगारी समझता हूँ। जी तो जाकिर खान कैसे लगे आपको? जाकिर खान तो बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। असल में जिस तरह आपको बहुत जबरदस्त चल रहा है अभी टॉम चैनल का दौर चल रहा है, इस तरह के परेशानियां हैं, लेकिन जिस तरह का दौर चल रहा है तो इस तरह के अगर स्टैंड अप कॉमेडी वाले लोग जो होते हैं जैसे जाकिर साहब है और अच्छी कॉमेडी करेंगे तो लोगों को हंसाना भी बहुत मुश्किल है लोगों को हंसाना भी जो है ना ये भी मतलब इनके ये कुछ नहीं बहुत मुश्किल है ऐसे खड़े कितनी देर कॉमेडी करना लोगों को हंसाना। इनके मैं कह रहा ना लफ्ज ना भी निकले ना
एक्शन करने में ये ऐसे ही हंस रहे हैं इंप्रेशन जिस तरह से बस ही आ जाते हैं वो कुछ आने वाला है यहां से इस तरह कैसे वो चौकीदार वाला रिएक्शन क्या था चौकीदार वाला रिएक्शन वो था ना कैसे वो तीन उन्होंने दिए पैसे दिए पर भाई गाड़ी के पीछे मत जाना राशि भाई जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।